कानपुर देहात से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कानपुर देहात के थाना मूसा नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हम आपको बताते चलें कि मूसा नगर थाना प्रभारी दीपक सिंह एसटीएफ लखनऊ टीम के जाबाज इंस्पेक्टर रहे, जो इस वक्त थाना मूसा नगर के नियुक्त थाना प्रभारी का चार्ज संभालते ही मारा सिकरसियो भोगिनपुरा प्रभात कुमार के निर्देशन में मारा गया छापा। भारी मात्रा में नकली पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी। भारी मात्रा में पान मसाला किया बरामद। नकली गुटखा बनाने के उपकरणों के साथ दो मोटरसाइकिल, एक लोडर तथा एक साइकिल के साथ लोगों को गिरफ्तार किया है। मूसा नगर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फैक्ट्री संचालक रमेश ओमर मौके से हुआ फरार। हम आपको बताते चलें कि कस्बे में ही जयप्रकाश यादव के मकान को किराए पे लेकर चला रहे थे अवैध तंबाकू फैक्ट्री। फैक्ट्री इसमें संबंधित अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दे रही है दबिश। आपको बताते चलें कि नवयुक्त थाना प्रभारी के दीपक सिंह द्वारा थाने का कार्य भार संभालने के दूसरे दिन ही स्पेशल टीम गठित कर एसआई भरत सिंह, एसआई कृपाल सिंह, दीवान धर्मवीर सिंह, सिपाही विकास कुमार कपिल सिंह अपराध व अपराधियों पर हंटर चलाना शुरू कर दिया है। मेरे साथ आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी मात्रा में यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो गुटखा बनता है, जो तंबाकू बनता है या पान मसाला, वो नकली मात्रा में पकड़ा गया है। आप खुद वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये नज़ारा उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात मूसा नगर का है, जो आप वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम आपको बताते चलें, यहाँ पर इन्होंने मशीनें लगा रखी थी और ये काम काफ़ी लंबे समय से चला हुआ था। जो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से गुटखों की पैकिंग वगैरह सारा कुछ हर तरीके की यहाँ आपको देखने की वे मिल जाएंगी। किस पन्नी के अंदर गुटखा पैक होता था, कैसे कैसे होता था, हर तरीके से यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का ये कारोबार, कोई ये नहीं है कि एक दिन के अंदर जोड़कर इतना बड़ा बना दिया, लेकिन ये एक लंबे अरसे से चल रहा था। पुलिस जानबूझकर भी कार्रवाई नहीं करती थी। आप देख लीजिए कितनी भारी मात्रा में ये मौत का सामान आपको नजर आ जाएगा। जो गुटखा है, चाहे वो तंबाकू हो या गुटखा, लेकिन इतनी भारी मात्रा में पुलिस का भी ये सराहनीय काम माना जा रहा है। लेकिन एक सवाल और निशान भी खड़ा करता है, क्या इतने भारी भरकम काम चलते हुए एक फैक्ट्री पकड़ी जाती है, इससे पहले पुलिस कहाँ थी? पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवाल और निशान खड़े होते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह की कार्रवाई ये आज हुई है, अगर ये कार्रवाई अब से पहले होती तो शायद ये इस तरीके का मौत का सामान ना बेच पाते। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर ने इसको कवर किया है, आजम खान ने, और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक एक चीज को हम आपको आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। फैक्ट्री चला है देसी गुटखा की, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज थाना मूसा नगर के अंतर्गत मूसा नगर पुलिस द्वारा एक अच्छा काम किया गया है। एक अवैध गुटखा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें तमाम जो है सामान जो गुटखा बनाने के लिए यूज किया जाता था वो बरामद किया गया है, और काफी मात्रा में सामान है, जैसे 6 बोरी सुपारी है कटी हुई, 4 बोरी तंबाकू मिली हुई, चंदमान गुटखा है, साई गुटखा है, इसके कई पैकेट हैं, गब्बर गुटखा के पैकेट हैं, जर्दा है, अटल गुटखा है, इन सबके काफी भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। और इनके ये जो ब्रांड है साई गुटखा, गब्बर गुटखा और अलग अलग ब्रांड के, इनके जो है वो नकली रैपर भी पकड़े गए हैं। 2 मशीनें पकड़ी गई हैं और 2 बाइकें बरामद हुई हैं, जिनसे ये सामान का जो है अपना दुकानों में जाके बेचते थे।
एक लोडर पकड़ा गया है और दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अभी इसमें तीन लोग जो है वो फरार चल रहे हैं। एक रमेश उमर जो है, जो इसका मेन है, इसके द्वारा ये चलाया जाता था, ये अभी फरार चल रहा है। और एक इसका मकान, जिसके मकान में चलता था, और एक जो मिस्त्री जो इसका आपको करता था। तो ये तीन लोग अभी फरार चल रहे हैं। ये दो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और भारी मात्रा में गुटखा बनाने का जो सामान बरामद हुआ है। इसमें इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और नियमानुसार मुकदमा लिख के नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।